सो आप लोग उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, बिंदास अपनी तैयारी को कर रहे हो गए। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी मेरे भाई, साउंड के, किसकी ध्वनि के। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है, वायु में, वायु मतलब हवा में 200 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलती हुई एक ध्वनि की तरंग दैर्ध्य जो एयर में, जो वेलोसिटी है कितना दिया है मेरे भाई, 200 मीटर प्रति सेकंड, और जो लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य दिया है 50 सेंटीमीटर, 100 से भाग लगाएंगे तो मीटर में यानी कि कितना आ जाएगा, पॉइंट में 5 मीटर इसकी तरंग दैर्ध्य आ गया। जब जल में प्रवेश करता है, करती है, तो तरंग दैर्ध्य 3 मीटर हो जाता है। यहाँ पर तरंग दैर्ध्य दिया है वाटर का, किसमें भैया, वाटर का, किसका, ध्वनि का, तो कितना दिया है 3 मीटर। तो जल में ध्वनि का वेग पूछा है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो ध्वनि होती है, क्या होती है मेरे भाई, जो ध्वनि होती है जब मीडियम चेंज करती है, क्या मीडियम मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जो हमारा ये होता है, ये बोले तो आवृत्ति, क्या मेरे भाई, आवृत्ति जो होती है नहीं चेंज होती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, इस बात को याद रखिएगा और आपको पता भी होगा, तो हम इसी का फायदा उठाएंगे। तो यहाँ से हम लोग आवृत्ति निकाल लेते हैं, वही आवृत्ति है, इसमें फिट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं, वी इजकल टू एन लैम्डा होता है, एन बराबर निकालेंगे वी इजकल टू लैम्डा, वी का मान यहाँ पर 200 दिया है, लैम्डा का मान है 0.5, इसको काटेंगे 4 बार यानी कि 400 कंपन प्रति सेकंड या हर्ज बोलते हैं आवृत्ति के मात्रा को। फिर अब जल में निकाल लेते हैं, जल के लिए लगा देते हैं V बराबर एन लैम्डा, जल में जो आवृत्ति होगा वही रहेगा हवाई वाला, क्योंकि अभी बताया आवृत्ति चेंज ही नहीं होती है, तो 400 ही रहेगा, लेकिन तरंग दैर्ध्य इसका कितना है मेरे भाई, 3 दे रखा है पानी में, तो 3 से गुणा मार देंगे कितना आ जाएगा, 1200 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि सभी डाटा किस में है, MKS में, तो 1200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। इधर देखते हैं, कह रहा है एक पहाड़ी है, पहाड़ बना देते हैं, पहाड़ से थोड़ा, चलो ये मान लो पहाड़ी है, कैसे मैसे पहाड़ी है, देखो बस पहाड़ी है ये, ये पहाड़ी है 100 मीटर की दूरी पर, यहाँ से ये 100 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, क्या है, कैसे है, ये नहीं बता रहा है। यहाँ पर एक ध्वनि उत्पन्न की जाती है, क्या मेरे भाई, साउंड उत्पन्न की जाती है, ये साउंड, ये पहली बार तो 100 मीटर दिया है उत्पन्न किया, इसका प्रतिध्वनि 0.6, देखो प्रतिध्वनि जो होती है, इको साउंड भी बोलते हैं इंग्लिश में इसे, जो प्रतिध्वनि होती है, यहाँ पर जब ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, ई यहाँ आएगा, टकराएगा, टकरा के फिर इधर चला जाएगा, तो आना जाना जो हम लोग बोले हैं यहाँ से, वही ध्वनि कुछ देर बाद जो सुनाई देता है उसे हम लोग कहते हैं इको साउंड, क्या कहते हैं मेरे भाई, इको साउंड यानी प्रतिध्वनि कहते हैं। आने जाने का जो समय दिया है 0.6 सेकंड दिया है। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि ये 100 तो पहले आया होगा ध्वनि, फिर 100 ही गया है, तो दूरी कितना ट्रेवल कर लिया, 100 100 यानी कि 200, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे यही वाला, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल निकालना है, दूरी कितना चलेगा, आएगा 100 जाएगा 100 तो 200 हो गया, कितना मेरे भाई 200, समय कितना लिया, आने जाने का समय दिया है, कह रहे 0.6 सेकंड बाद सुनाई देता है, यानी कि जब बकबकाया होगा, यानी कि बकबकाने का मतलब है मेरे भाई, जब यहाँ साउंड प्रोड्यूस किया होगा, इंड्यूस किया होगा, साउंड निकाला होगा, जब आया होगा, टकराया होगा, आने जाने का दिया है 0.6, इसी को हल कर लेंगे, 2000 1000/3 दिख रहा है आपको भी, 1000/3 यही काट देगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, इसको काटेंगे 333.33 आता है, बहुत बार काटे होंगे, आप भी काटे होंगे, हम भी काटे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 333.33 मीटर पर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इको साउंड। इको के बारे में आप लोग और समझ सकते हो, जो इको साउंड होता है यानी कि प्रतिध्वनि होती है, ये मिनिमम कितना मेरे भाई, मिनिमम नियर अबाउट 17 मीटर होना चाहिए, कितना 17, 16.96 होता है, 16.96 करेक्ट होता है, यानी कि मिनिमम 17 मीटर तक होना चाहिए, क्या डिस्टेंस, तभी इको साउंड सुनाई देगा। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए ना क्षेत्रफल ज़्यादा होना चाहिए, क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, फंसाता है लड़के लोग को, आयतन दे देगा, कहेगा आयतन अधिक होगा तो प्रतिध्वनि सुनाई देगा, आयतन पर डिपेंड नहीं करना, आप ही देखो ना, हम जैसे बोल रहे हैं ये जाएगा टकरा के चला आएगा, कहाँ पर टकराएगा, ये दीवार को जैसे क्या है, ये एरिया तो हम लोग देख रहे हैं, इसका वैल्यूम थोड़ी ना देख रहे हैं, तो इसका एरिया मायने रखता है, जब भी प्रतिध्वनि की बात आएगा तो याद रखिएगा एरिया की बात होती है, किसकी, एरिया, एरिया कितना होना चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तब प्रतिध्वनि हम लोग